हॉलीवुड की फिल्मों ने हमें दिखाया कि यह प्राणी समंदर का सबसे बड़ा शिकारी है। कई फिल्मों ने इसे इंसान खोर राक्षस बना दिया, लेकिन सच्चाई, समंदर की सबसे खतरनाक शिकारी असल में इंसानों से डरती है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में आपका स्वागत है। ग्रेट व्हाइट शार्क असल में समंदर का संतुलन बनाए रखने वाला एक रक्षक है। इसका वैज्ञानिक नाम है कार्चारोडॉन कार्चरियास। ये शार्क मैकेरल शार्क्स के लैमनाइडी परिवार से आती है, जिसमें माको, पोरबेगल और सैल्मन शार्क भी शामिल हैं। ग्रेट व्हाइट इन सभी में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर है। आखिर क्यों यह शार्क समंदर की बेताज बादशाह है, चलिए जानते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क का शरीर टॉर्पीडो की तरह स्ट्रीमलाइंड होता है, जिससे ये पानी में बेहद तेजी से तैर सकती है। ये शार्क औसतन 15 से 20 फीट लंबी हो सकती है और वजन 2000 किलो तक पहुंच जाता है। हैरानी की बात यह है कि इनका स्केलेटन हड्डी का नहीं, कार्टिलेज का बना होता है, यानी हल्का, लचीला और फुर्तीला। ऊपर से रंग गहरा ग्रे या हल्का ब्राउन और नीचे पूरी तरह सफेद, ताकि शिकार को ऊपर से दिखाई न दे। लंबी डॉर्सल और ताकतवर टेल फिन्स इसे तेजी से तैरने और दिशा बदलने में मदद करती हैं। उसकी पूंछ अर्धचंद्र की तरह मुड़ी होती है, जो जरूरत पड़ने पर शार्क की रफ्तार को दुगना कर देती है। आंखें बड़ी और तेज होती हैं, जिनमें एक परत होती है, जिससे ये कम रोशनी में भी साफ देख सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क्स एक बूंद खून को 100 लीटर पानी में लगभग 400 मीटर दूर से भी सूंघ सकती है। इलेक्ट्रोरिसेप्शन से ये शार्क दूसरे जानवरों के दिल की धड़कन तक महसूस कर सकती है। और दांत, एक साथ 300 तक दांत। इनके दांत चौड़े और आरी की तरह तेज धार वाले होते हैं। इनके काटने की ताकत 18,000 न्यूटन होती है, यानी इंसानी जबड़े से करीब 20 गुना ज्यादा। हर कुछ हफ्तों में पुराने दांत गिरते हैं और नए दांत आ जाते हैं। अपनी जिंदगी में ये शार्क करीब 30,000 दांत खोती और नए उगाती है, मानो हर शिकार के लिए ताजा हथियार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत कर लें। ग्रेट व्हाइट शार्क आमतौर पर ठंडे समुद्री इलाकों में पाई जाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर ये लगभग हर समुद्री तटों पर देखी जा चुकी है। नर ग्रेट व्हाइट शार्क करीब 40 से 50 साल और मादाएं 70 साल तक जीती हैं, लेकिन इन्हें प्रजनन योग्य बनने में दशकों लगते हैं। नर को लगभग 26 साल और मादा को 33 साल। पूरी जिंदगी में ये गिनती के ही बच्चों को जन्म देती है, और हैरानी की बात यह है कि जन्म लेते ही बच्चे बिना किसी माँ बाप के सहारे अकेले खुले समंदर की ओर निकल जाते हैं। बचपन में ये छोटी मछली, रेज और स्क्विड्स खाती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती है, इनका निशाना बनते हैं सील्स, सी लायंस, डॉल्फिन्स और कभी कभी छोटे वेल्स भी। और शिकार का तरीका खतरनाक। ग्रेट व्हाइट शार्क पहले गहराई में चुपचाप मंडराती है, फिर एकदम नीचे से ऊपर की ओर लगभग 50 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है। ये वार इतना तेज होता है कि कई बार शार्क पानी से बाहर छलांग लगा देती है, जिसे ब्रीच कहा जाता है। पहला हमला अक्सर शिकार को गंभीर रूप से घायल कर देता है। शार्क उसे तुरंत नहीं खाती, वो इंतजार करती है जब तक शिकार की हरकतें पूरी तरह बंद ना हो जाए। और हां, ये सिर्फ शिकारी नहीं, एक चालाक स्कैवेंजर भी है। मरा हुआ वेल हो या किसी दूसरी बड़ी मछली का कारकेस, ग्रेट व्हाइट बिना देर किए फीस्ट शुरू कर देती है। समंदर की फूड चेन में ये शार्क सबसे ऊपर बैठी है। एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या ग्रेट व्हाइट शार्क वाकई इंसानों का शिकार करती है, चलिए जानते हैं। समंदर की गहराई से अगर शार्क ऊपर की ओर देखे तो एक सर्फर उसे सी टर्टल जैसा दिख सकता है, और कोई तैराक एक सी ऑटर जैसा। जब शार्क को कुछ समझ नहीं आता तो वह उसे करीब से जांचने की कोशिश करती है, और चूंकि उसके पास हाथ नहीं होते तो मुंह ही उसका तरीका होता है। कई बार ये जांच एक हल्के काटने में बदल जाती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में टेस्ट बाइट कहा जाता है। यानी ज्यादातर इंसानों पर हमले असल में शिकार नहीं, बल्कि एक गलत फहमी का नतीजा होते हैं। शार्क सिर्फ शिकारी नहीं, एक प्रतीक है उस बैलेंस का जो समंदर को जिंदा रखता है। अगर अब तक आप शार्क को खतरनाक समझ रहे थे तो उम्मीद है आज आपकी सोच बदल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया जाना तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट हमें इंस्पायर करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ, सिर्फ द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स पर। धन्यवाद।